अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमने जो है आलू बुखारा, एक पाव आलू बुखारा ले लिया है, एक पाव इमली ले ली है और एक किलो चीनी ले ली है, दो टीस्पून नमक ले लिया है। इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मी में सबसे बेहतरीन शरबत है और गर्मी का बेहतरीन तोहफा है इमली आलू बुखारे का शरबत। इमली आलू बुखारे का शरबत जो है गर्मी में मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है इंशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं ये बनता कैसे है। एक पतीली ले ली है, उसको चूल्हे पर चढ़ा लिया है। अब इसके अंदर जो है 1.5 लीटर पानी डालेंगे, डेढ़ लीटर पानी के अंदर पाव जो है हमने आलू बुखारा लिया था उसको हम डाल देंगे और एक पाव इमली ली थी उसको डाल देंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। इमली आलू बुखारे को जो हमने पानी में डाला था उसको उबाला आ गया है। अब इसके अंदर जो है हम 1 किलो चीनी मिक्स कर देंगे। एक किलो चीनी मिक्स कर दी है। अब इसमें अंदर जो है 2 टीस्पून काला नमक मिक्स करेंगे। काला नमक मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह उबाला आने तक पकाएंगे। ये देखें हमारे जो है आलू बुखारे अच्छे खासे फूल गए हैं और इमली जो है आहिस्ता से अलहदा हो जाएगी। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देख सकते हैं कि इमली आलू बुखारा जो है हमारा पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है। इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब हमारा जो है ये इमली आलू बुखारा और चीनी जो मिक्स करके हमने बना लिया है, इसको गाढ़ा कर लिया है। अब हम जो है इसको छान लेंगे जो हमने तैयार किया है। अब देख सकते हैं कि जो को छानी से छानने के बाद हमने ये उसका शीरा अलहदा कर लिया है। अब हम जो है इसको मिक्स करके जग में इसका शरबत बनाएंगे। ये बहुत ही गाढ़ा बन जाता है। इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2 हफ्ते 15 दिन के लिए इसको अच्छी खासा फ्रीज़ कर सकते हैं शरबत को। अब हम जो है जग में पानी डालेंगे और इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे और अब इसके अंदर जो है वो शरबत मिक्स कर देंगे। शरबत को हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारा बेहतरीन तैयार हो गया है और इसको अब हम जो है सर्व करेंगे। सर्व करेंगे और बच्चों को पिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसा बना है। गर्मी के लिए बेहतरीन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह शरबत कैसा बनाया काका भाई? बहुत मजेदार बना है। इंशाल्लाह शरबत कैसा बनाया? बहुत मजेदार बना है।